Today we're going to make first of all we're going slow in Hindi. So let's try with Hindi. Okay, so Lohri is coming, Lohri aa rahi hai, Makarsankranti bhi aa rahi hai. So Makarsankranti is for us new year for us in desi calendar. So ab winter season, ending of winter season. So hum isme hamari cuisine, I'm belong to Jammu and especially on Lohri pe meri nani ek bahut hi acha mix banati thi, mix of dry fruits and all. But usme thode se rice bhi hote the, rice, raw rice and sesame, and today is like core ingredient of sesame hamara core ingredient hai. So hum ek kuch ek unique si dish banayenge sesame aur popcorn se leke. Lekin let's talk about Lohri. So Lohri mein mostly hum raat ko aag jalate hain, ड्राई फ्रूट्स ओवर देयर एंड सिट डाउन एंड रिलैक्स करने के लिए. सो एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर. सो अब हमारे घर पे क्या होता था कि मेरी नानी जो वो बैठ के पूरे ड्राई फ्रूट मिक्स करके एक पूरा हार्डली कोई 5-10 किलो का मिक्स होता था, उसमें रॉ राइस और ड्राई फ्रूट्स, गुड़ एंड बिट ऑफ अदर थिंग्स, एंड वो पूरे छोटे छोटे बैग्स में डाल के एंड वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द कम्युनिटी. दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट द लोहड़ी. And beginning of Makarsankranti, we make a khichdi, and it's like the new year for us. Second thing, til, we using til. What we're going to make today is a mix of til and popcorn. Popcorn and til ka mousse. It's like til ka meetha we called in our language. Hamara jo ghar pe banta tha, til ka meetha. So. We incorporate two things very regular use होते हैं जो winters में, popcorn mousse and तिल का चिक्की for garnish अगर. So let's try to make this. Okay. So what we are doing, popcorn. Actually winter season का हमारा एक बोरी step. Actually we just incorporate the popcorn into milk and make a custard out of it. And सारे लोग कुछ बोल रहे हैं यस भाई पॉपकॉर्न एंड बिकॉज माई फेवरेट थिंग इज पॉपकॉर्न एंड इट्स कल्चरल एज वेल. तिल का मीठा एंड पॉपकॉर्न का मीठा साउंड ऑड. सो यस लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ तिल. अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड कल्चरल वेदा, तिल इज वाइडली यूज इन लाइक इन अ रिलीजियस वे, पूजा के लिए एंड ऑल. ब्लैक तिल का भी यूज होते हैं एज यू हियर दैट. तो ना कि इन इंडियन कम्युनिटी एंड लॉट ऑफ जैपनीज एंड चाइनीज कम्युनिटी में ब्लैक तिल का काफ़ी यूज होता है. इट्स लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ अफ्रीका एंड इंडिया ओरिजिन, बिकॉज इट ट्रॉपिकल फ्रूट एंड हार्डली कंज्यूम इन चाइनीज कुकिंग एज वेल. सो तिल में हमारा एक बहुत ही एक रिलीजियस कनेक्शन है, बिकॉज जब भी कोई घर में पूजा होती है तो तिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है. जैसे लाइक सुपर फूड इन लाइक इन चार्ट ऑफ इंडियन ग्रेन्स एंड मल्टी ग्रेन्स. सो मैंने पॉपकॉर्न लिया फुल बिग जार ऑफ पॉपकॉर्न एंड वी गोना ऐड मिल्क. इज पॉसिबल यू कैन ऐड सोया मिल्क वट एवर यू गोना इन केस अभी अवेलेबल ये बिकॉज अभी हमें किचन ही शो कर रहा बिकॉज इट्स सैटरडे. तो सैटरडे को हमारा किचन थोड़ा बिजी होता है. And we're gonna just blend it out. मीठा तो हम अभी तिल अभी नहीं डालेंगे, तिल बिल्कुल लास्ट में डालेंगे बिकॉज इट रिलीजेस ऑयल. टोस्टेड सेसमे सीड्स लोहड़ी केम. सो
जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में होते थे दे आर ऑल सिट डाउन एंड रोस्टिंग तिल एंड ऑल मेकिंग लड्डू आउट ऑफ इट एंड जब हम छोटे होते थे जस्ट गैदर अराउंड बैठ जाते थे साथ में कि हम भी लड्डू बनाएंगे ब्लेंड करना है एंड एज यू कैन सी इसमें थोड़े से बिट्स भी हैं पॉपकॉर्न के बिकॉज दैट्स हमें एक क्रंच टेक्सचर चाहिए एंड सेसमी सीड्स भी हैं सो व्हाट वी गोना डू हीट हम इसको गर्म करेंगे ताकि थोड़ा ये कस्टर्ड शेप में आ जाए थोड़ा एंड पॉपकॉर्न इसको उसे खुद भी इसको ठीक करेगा being a Jammu guy and हमारे यहाँ तो cultural way में ज़्यादा रहता है मतलब हमारा हर एक फूड एक कल्चर या और एक रिलीजियस वे में लाइक कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सो एज यू कैन से आज मैं बात करूँगा कि दिल इज लाइक हमारा मोस्टली पूजा वगैरह में काफ़ी यूज होता है एंड यस इज नॉट मच एक्सप्लोर्ड नॉट मच यूज एट एनी लाइक cuisines में वी आर लाइक हैव इन मेन्यू टू थ्री डिशेज ऑफ तिल सेसमी चिकन टिक्का एंड सेसमी पनीर टिक्का एंड सेसमी कस्टर्ड फिश सो व्हेन आई एम लॉन्चिंग द न्यू मेन्यू वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट द होल ग्रेन्स द होलसम ग्रेन्स ऑफ इंडिया एंड लाइक जो सुपर फूड है मिलेट्स हैं इंडिया में तो जो अभी लाइक लॉस हो चुके हैं इंडियन ग्रेन्स ऑफ मैप से नॉट ओनली अब हमने काफ़ी वेस्टर्न कुकिंग को अडॉप्ट किया है सो वी फॉरगेट ऑलमोस्ट द प्रीवियस ग्रेन्स एंड द सुपर ग्रेन्स ऑफ इंडिया सो यस वी डू लाइक अभी जब नया मेन्यू आएगा तो उसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे एज वेल एज तिल एज वेल सो एज यू गाइस हीटिंग अप एंड बिकम थिक थिक मोर थिक तो पॉपकॉर्न एंड सेसमी का इसका जब तक फ्लेवर सीप ही नहीं कर जाता तब तक इसको स्टर करते रहना मेक श्योर ये चिपके ना नीचे सो दिस रेसिपी लाइक हिट इन ए मिनट्स इन माय माइंड बिकॉज नॉर्मल वे में अगर मैं इसको बनाना चाहता तो शायद मुझे इसको दो तीन घंटे लग जाते बिकॉज मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है तो उसको जस्ट थोड़ा सा मिसमैच करके एंड बिट ऑफ थोड़ा सा इनोवेशन करके क्योंकि अगर इसको मैं रेगुलर लाइक पुराने ओल्ड मेथड से बनाऊंगा तो मोस्टली मुझे दो तीन घंटे बैठना पड़ेगा एनी क्वेश्चंस सो क्वेश्चन लाइव है ना यस इट्स थिकिंग नाउ थिक अभी इस स्टेज पे मैंने तो शुगर ऐड नहीं किया जस्ट फॉर टेस्ट ना यस मैंने यहाँ पे सॉल्टेड पॉपकॉर्न ऐड किया सो सॉल्टेड गिव यू लाइक थोड़ा सा सॉल्टी एंड मीठे का टेक्सचर ऑलवेज गुड इट्स गिविंग सम नटी टेक्सचर जो कढ़ाई में जो पॉपकॉर्न बनते हैं उसका एक मीठी खुशबू है वो आ रही है In that case, मेरे पास गुड़ है अगेन गुड़ इज लाइक द सुपर शुगर एंड द हेल्दी शुगर सो मैं इसको चीनी से मीठा नहीं करूँगा मैं इसको शुगर से मीठा ऐसे गुड़ या शक्कर से मीठा करूँगा देखो अगेन गुड़ इज लाइक हेल्दी वे ऑफ लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर तो इवन आई एम गोइंग टू ट्राई अवॉइड शुगर इन माई डाइट एंड using natural sugar like honey, gur, shakkar, and whatever you have used. मेरे काफ़ी बंगाली फ्रेंड्स हैं तो वो फॉर्मोलाइसिस काइंड ऑफ शुगर दे आर यूजिंग ओके सो
सो मैं इसको ज़्यादा मिलाऊंगा नहीं बिकॉज शुगर गुड़ इसमें अपने आप मिल जाएगा. अगर हम इसको ठंडा करने के लिए डालेंगे यू कैन सी इट्स लाइक इट्स थिक इट्स बहुत ज़्यादा थिक हो गया. इसको आप मेक यू कैन मेक अ पॉपकॉर्न चीज़ केक यू कैन मेक एनी यू कैन यूज इन एनी रेसिपी बिकॉज इट्स अ बेस. आप इसमें बहुत और ज़्यादा फ्लेवर ऐड कर सकते हो लाइक कैरमल रेड वेलवेट व्हाट कैन आप जो आपको सूटेबल करे जो जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास इसमें नट्स भी ऐड करते हो. इफ फॉर अगर आप पंजाबी स्टाइल में बनाओगे तो आप इसमें पंजीरी ऐड कर सकते हो तो एक नटी टेक्स्चर देगा वो पंजीरी. यस पंजीरी इज अगेन जम्मू क्लासिक विंटर डिश. सो वी कैन पुट इन द फ्रिज. वी हैव ग्लास फिलर हियर. हाय अंजलि सॉरी यू आर मिस्ड. सो इट्स अ लोहड़ी स्पेशल एंड मकर संक्रांति स्पेशल. एंड मकर संक्रांति में हम जैसे बोलते हैं कि क्या स्पेशल है हमारे रीजन में स्पेशल क्या है बनाया जाता है तिल का मीठा और त्रिचोली. त्रिचोली इज द लाइक डोगरी डिश जिसमें मिक्स होता है आपका नट्स राइस. इट्स अगेन मेकिंग माय नानी जो मैं एक लड्डू शेप में बनाते थे एंड उसको खीर से खाते थे. जो कोर इंग्रेडिएंट आज का सो वी गुड मैंने गुड़ लिया गुड़ को चॉप किया है थोड़ा सा. अब इसको पाउडर शक्कर भी यूज कर सकते हो. यहाँ यू नीड अ पेशेंस. हाय नाउ अब एवरीवन इज ऑडिबल नाउ इज ऑडिबल नाउ या ओके. मैं लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ अभी इसको गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं. एंड वन मोर थिंग एक चीज बन जाऊंगा कैरमलाइजिंग शुगर एंड कैरमलाइजिंग गुड़ इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. गुड़ जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है इसमें एंड शुगर फैक्ट्री या जो सेकंड फॉर्म में जो शुगर तो उसमें आपको थोड़ा सा बीवे रहना पड़ता है. या यू कैन सी इट्स कैरमलाइजिंग नाउ एंड हाउ टू चेक कैरमलाइजिंग मेकिंग अ क्रैकल साउंड कि जब आपको लगे वो एक क्रंच आना चाहिए शुगर में. सो आप एक बॉट अपने साथ पानी रखें. जब आपको लगे आप शुगर मेल्ट करते हैं आप टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो टेम्परेचर कम कर दीजिए बिकॉज वी आर लाइक प्रैक्टिसिंग एवरी डे तो हमें थोड़ी आदत हो गई है. सो थोड़ा सा शुगर एंड डिप इन वाटर. बंद कर दूँगा अभी डिप इन वाटर अगर ठंडा हो जाए. यस इट्स परफेक्ट कैसी क्रैकल. हाँ थोड़ा सा बॉयज मिसिंग हो रही है बॉर्डर. सॉरी फॉर दैट जिनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही. ओके लेट्स चेक अगेन. ठंडा पानी
थोड़ा सा तिल का जो एक असर है वो है इसकी तासीर गर्म होती है तिल की, तो मोस्टली हमारा एक डिश उसकी और बनती है, हमारे यहाँ पे एक फ्रूट होता है विच इज कॉल्ड किम्ब। किम्ब इज लाइक अ लाइम ऑफ हवेली, उसका जो पित होता है वो थोड़ा मोटा होता है एंड यू कैन ईट लाइक दैट। आप उसको चाट बना सकते हो, उसमें तिल का ग्राउंडेड तिल एंड थोड़े से स्पाइसेस के साथ, इफ यू गो फॉर लाइक savory dish. Can you post the recipe? Yeah, it's perfect now. Perfect crackle and then yeah, perfect. Oh, it's done. At this stage I'm gonna add a tilतो ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगा, मुझे बस इसका क्रम्बल चाहिए जस्ट फॉर द गार्निश। ओके सो इट्स डन नाउ। दूसरा वाला, दूसरा वाला। यस तो इस हॉट बीवियर वैल्यू, आप जब इसको गर्म शुगर से काम करो तो थोड़ा सा ध्यान से करना, बिकॉज बहुत गर्म है, आप जल सकते हो। सो आई जस्ट पैस इट डाउन लेट थोड़ा। इस स्टेज पे आप इस पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर थोड़े नट्स, चॉप नट्स ऐड कर देते हो तो गिव यू लाइक टू लेयर्स ऑफ नट्स। इसको मैं लेटर काटूंगा एज अ गार्निश, put it there like for the main resting. Second thing is mousse. Yeah, we have whipped cream over there and maine thoda time save karne ke liye whipped cream thodi fancy li hai, jo because it's like half an hour only. So simple whipped cream and isme add karenge hamara mousse. After cool, it like this. मैंने इसको स्ट्रेन नहीं किया, आप इसको स्ट्रेन कर सकते हो। स्ट्रेन करने के बाद इसके जो बिट्स हैं वो रिमूव हो जाए, लेकिन आई लाइक द थोड़ा बाइट पॉपकॉर्न। एडिंग बिट ऑफ 4-5 spoons into it and mix it. For more better results, you can put it in the fridge. उसको फ्रिज में रख दो लाइक एक दो घंटे के लिए चिल करके इसको यूज करना, बिकॉज आई मीन हरी सो यू डूइंग अ लॉट ऑफ किचन थिंग्स, सो उसको प्लेटिंग करके। ओके सो दिस इज अ जार एंड हम इसमें नॉर्मली शेक्स वगैरह प्रेजेंट करते हैं। सो
थोड़ा सा पॉपकॉर्न मिक्स, यस जो हमारे पॉपकॉर्न बचे थे लास्ट में, इस पे आप क्रंच कैरमल पॉपकॉर्न एंड मोर पॉपकॉर्न, एंड तिल की चिक्की, मुझे अभी से इसको देख के भूख लग रही है, इट्स लाइक यम। I'm gonna put some layer with plain whipped cream just to give them a layer, nice layer. So the final touch. Whipped cream and a big disc of chicken. You can अभी भी थोड़ा गर्म है, you can mold it like as you way. And just for garnish, few more popcorns. Just pile it popcorn. Yeah. So here is my and popcorn का मीठा. It's perfect winter dish. आप it's a lohri special as well. एंड परफेक्टली असेंबल करता है लोहड़ी के ओकेजन को एंड मकरसंक्रांति के ओकेजन को. लेटर ऑन आई एम पोस्टिंग दिस रेसिपी ऑन योर कुकपैड का पेज एज वेल, एंड विश यू वेरी हैप्पी मकरसंक्रांति एंड विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी एंड देसी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू.